साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे दुबई से रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूं कि दुबई पे ज़्यादा फोकस करें, इसलिए कि इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग दुबई रहते हैं। जी हां साथियों, भारतीय इमिग्रेशन आंकड़े के अनुसार लगभग 30 लाख वर्कर इंडिया के दुबई में रहते हैं, जो वहाँ की आबादी का लगभग 20-22% हिस्सा है। जी हाँ साथियों, इसलिए अब पहले अपन बात करते थे मलेशिया से रिलेटेड। मलेशिया में तो भैया 2% लोग भी नहीं है, 1% भी नहीं है, दो तो बहुत बड़ी बात होती है। सबसे ज़्यादा दुबई में, उसके बाद कुवैत में, उसके बाद थोड़े थोड़े और कंट्रियों में लोग रहते हैं। तो मैंने फोकस किया अभी दुबई से रिलेटेड अपन वीडियो ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि दुबई हमारे यहाँ राजस्थान में भी, मेरे पास जितने भी ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सएप पे, जितने भी एजेंट्स वगैरह, 95% विजिट का काम आता है, दुबई का काम आता है, चाहे वो विजिट में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो कैसे भी हो, सबसे ज़्यादा काम दुबई का है। उसके बाद में कुवैत का तो बहुत कम आता है, कुवैत का तो आता ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड अपन धीरे धीरे दुबई से, हालांकि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये तो हर कंट्री पे लागू होता है। अगर मान लीजिए आप दुबई जाते हैं और वहाँ से कमा के आप वापस आते हैं, या विजिट में जाके वापस आते हैं, तो वहाँ से आप क्या सामान लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में मैं आप शॉर्टली तरीके से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट साथियों चीज़ें हैं कि आप वहाँ से क्या लेके आ सकते हैं। जैसे चॉकलेट हो गया, परफ्यूम हो गया, वहाँ के बड़े परफ्यूम बड़ा फेमस है, चॉकलेट बड़ा अच्छी वहाँ पे क्वालिटी की बनती है, तो चॉकलेट परफ्यूम वहाँ के लोग इधर आते हैं तो वो भी खूब सारा जो सामान लाते हैं लगेज में उसके ले साथ में लेके आते हैं। कपड़े हो गए, टीवी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सोना वगैरह, ये वहाँ पे इंडिया की बजाय वहाँ पे सस्ता पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। जैसे आप 25,000 का फ़ोन इंडिया में ले रहे हो ना, वो फ़ोन आपको वहाँ पे 17-18 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, इतना डिफरेंस आपको आ जाता है। टीवी में भी सेम ऐसा ही है। तो इसलिए वहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान और गोल्ड वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो गोल्ड भी बहुत सारे लोग लाते हैं, इसीलिए वहाँ से तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे राजस्थान में महीने में एक आधा केस ऐसा हो जाता है कि तस्कर पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट पे, गोल्ड वाले, ठीक है साथियों। तो आज बात करेंगे साथियों सामान सस्ता, जैसे सोना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइटम हो गया, फोन, बिस्कुट, ये सामान आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन होती है, अगर आप गोल्ड लेके आते हैं, अगर आप गोल्ड लेके आते हैं तो सिर्फ आदमी, अगर आप आदमी हैं तो आप सिर्फ पहन के 20 से 25 ग्राम गोल्ड आप पहन के ला सकते हैं, उस पर आपका कोई टैक्स नहीं है। अब महिला की बात करें तो 40 से 45 ग्राम महिला गोल्ड, जो आभूषण जिसको बोलते हैं, बना के पहन के आप आ सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके अलावा अगर आप गोल्ड लेके आते हैं, रेड पोर्ट पे चेकिंग होती है, उसके दौरान आपका 36% एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। जी हाँ साथियों, चाहे वो कोई भी सामान हो, जैसे आप टीवी लाइक लेके आए, फोन, फोन पे तो नहीं होता, फोन तो हाथ में, अगर अगर आपके पास 5-7 फोन है तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अगर एक फोन आपके हाथ में है तो उसका कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप कपड़े लेके आओ, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आओ, चाहे आप पुराना सामान लेके आओ, तो भी आपको टैक्स उसमें 36% टैक्स एक्स्ट्रा इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है वो आपका वहाँ पे बिल पर्ची आपको बिल बना के आपको देगा, और वो आपको वहाँ पे भुगतान उसका करना पड़ेगा। तो साथ ही ये आप अगर दुबई से कुछ सामान लेकर आते हैं तो ये सामान लेके आ सकते हैं, लेकिन उनका एयरपोर्ट पे टैक्स देना पड़ेगा, ये बात दिमाग में बिठा लें। लेकिन फिर भी इंडिया से सस्ता पड़ेगा, अगर आप 36% टैक्स दे भी दोगे तो भी इंडिया से सस्ता पड़ेगा, क्वालिटी वहाँ की अच्छी मिलेगी। इंडिया में इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती जितनी दुबई में अच्छी मिलती है। तो ये चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई अपडेट डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।